अपने बीवी बच्चे न पालेंगे या फिर पैंटों लड़वाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का जो बजट है वो भी यहां पर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे का एक बार नज़ारा दिखाएं, क्योंकि ये नज़ारा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवाने वालों की संख्या जो है वो बिल्कुल भी कम नज़र नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। लगातार पेट्रोल भी डलवाया जा रहा है, लेकिन बढ़ती कीमतों का असर कितना है वो लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी जेब पर कितना फर्क पड़ा है ये उनसे ही जानते हैं। तो जिस तरीके से दाम यहाँ पर पेट्रोल के बढ़ते जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, कितनी जेब पर उनका असर पड़ रहा है ये उन्हीं से जानते हैं। लगातार जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं आप, तो ऐसे में कितना असर पड़ रहा है भाई साहब? आधे से ज्यादा सैलरी महीना की इन गाड़ी में जा रही है, क्योंकि बिना गाड़ी के अब कुछ भी काम संभव नहीं है। तो आधे से ज्यादा जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं हमारे सारे पैसे इन्हीं में जा रहे हैं यार। और कुछ भी 500 रुपया में तो ना के बराबर तेल आ रहा हूँ जी, बिल्कुल रेट टू रेट तेल आ रहा हूँ। सरकार है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जो इनके दाम कम करें, और गरीब आदमी की जेब पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस चीज़ को। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, गरीब आदमी की जेब पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार ये कह रही है कि राष्ट्रहित के लिए जा रहा है सारा पैसा। कुछ ना जा रहा है, ये सब बीजेपी की राजनीति है, राष्ट्रहित के लिए कुछ ना जा रहा है, ये सब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है देश में और कुछ ना है। ठीक, जिस तरीके से आपने सुना, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है, हमारे साथ एक और हमारे दोस्त जुड़ गए हैं। जिस तरीके से पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो कितना असर पड़ रहा है इस पे आपकी जेब पर? काफी असर पड़ रहा है, इसमें रोजगार भी बहुत कम है, पेट्रोल ज्यादा महंगा हो रहा है, तो कम से कम होना चाहिए ना पेट्रोल। पेट्रोल होगा 90 के समथिंग, और मतलब हमारी जो जरूरतें हैं वो भी मतलब जरूरतें पूरी करें, पेट्रोल डलवाएं, यानी पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। जिसकी तनख्वाह ही 10 से 15 हज़ार रुपये है, ऑफिस जाना होता है, तो ऐसे में अब 3-4 हज़ार का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, कैसे काम चलेगा? ना चल पाएगा जी, हम अपने बीवी बच्चे ना पालेंगे या फिर पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल सस्ता कम होना चाहिए। बिल्कुल, इस तरीके से सुना आपने कि पेट्रोल कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे में बड़ी गाड़ी वालों से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल अगर आप बाइक में डलवाते हैं तो 100, 200, 500 का डलता है, लेकिन जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं इनमें पेट्रोल की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। तो आइए इनसे एक बार बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि बड़ी गाड़ी को चलाना आज के ज़माने में कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं और एक बार जानते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी वाले लोगों पर भी असर पड़ रहा है या नहीं। सर, जिस तरीके से लगातार जो पेट्रोलों की कीमतें हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, मर्सिडीज़ है, महंगी गाड़ी है, फ़र्क पड़ रहा है जेब पर कोई? नेचुरली प्राइस हाई हुआ है, उसका पॉकेट में प्रेशर तो है ही, मतलब इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते कि पेट्रोल जो है, मतलब ऑल टाइम प्राइजेस जो हैं हाई हो गए हैं, और इनको कंट्रोल होना भी चाहिए। बिल्कुल, कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नेपाल की अगर बात करते हैं तो भारत से नेपाल पेट्रोल जाता है, वहाँ सस्ता जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है जो 90 रुपये से पार कीमतें हो गई हैं भाई? देखो, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि उसके पीछे रेलेवेंट रीज़न उनका क्या है क्या नहीं है, पर अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो वहाँ पेट्रोल महंगा है और डीजल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस इनफैक्ट मैं कहूँगा महंगे हैं और कंट्रोल होने चाहिए। अब तो स्ट्रक्चर है पूरा कि क्रूड क्या प्राइसेस है, दैट वी डोंट नो, लेकिन तो जो कच्चा तेल है वो तो सस्ता आ रहा है। हाँ, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो क्या स्ट्रक्चर है, किस वजह से क्या प्राइसेस होने चाहिए, पर कंट्रोल होने चाहिए। इस तरीके से आपने सुना कि प्राइस कंट्रोल होने चाहिए, तो बड़ी गाड़ी वाले या छोटी गाड़ी वालों की जेब पर फर्क तो पड़ रहा है, असर देखने को भी मिल रहा है, लेकिन गाड़ी चलानी है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल तो आपको डलवाना ही पड़ेगा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर। इस तरीके से पेट्रोल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, पॉकेट पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो असर तो स्वाभाविक आ ही गया होगा। देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल मीन्स फ्यूल का रेट अपग्रेड कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उससे आम जीवन पर थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन जिन लोगों की आमदनी एक अच्छी आमदनी है, एक अच्छे वेल सेटल्ड है, तो मेरा मानना है कि उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल गया है, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, तो ऐसे में कैसे स्थिति को संभाला जाए फिर? जी, ये बात आपकी मैं सर एग्री करता हूँ, और जैसा कि आपने बताया कि कोरोना से हम लोगों ने सबने फाइट किया है, और आज सभी लोगों का लगभग 80% लोगों का जॉब जा चुका है, और आज हमारी जो इकोनॉमी के काफ़ी लो जा चुकी है, तो इस मैटर के अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कि आपकी ये डीजल पेट्रोल की जो रेट ग्रोथ कर रही है, ये कहीं ना कहीं हर एक लीडर के लिए, हर एक आमजन के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उनकी राय जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर हर इंसान की अलग राय होती है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं,
ये हर कोई वाकिफ है इससे। सरकार बार बार ये कह रही है कि कमी आएगी, लेकिन कमी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? यहाँ तो भैया खूब भीड़ चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ बराबर है, चाहे 100 के पार 200 के पार पेट्रोल जाए लोग डलवाएंगे। पब्लिक कहती है 100 को लगा दो एक साथ ही। अच्छा, पब्लिक पे कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमने आप ही के पेट्रोल पंप के लोगों से बातचीत की, वो ये कह रहे हैं कि भैया बड़ा मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाना। नहीं, गाड़ी चलाने पब्लिक के लिए तो मुश्किल हो ही रहा है, सबको परेशानी तो है ही है, महंगा हो रहा है, हम भी चलाते हैं, हम भी खरीदते हैं, महंगाई तो है ही है, सस्ता तो होना चाहिए, जरूरी है, लाजमी है। तो जिस तरीके से आपने सुना, काफ़ी लोगों से बातचीत की, हर कोई ये कह रहा है कि सस्ता होना चाहिए, क्योंकि जेब पर पॉकेट पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है, जेब खर्च में फ़र्क आ जाता है, ऐसे में आपका जो घर का जो बजट होता है वो ज़रूर डगमगा जाता है। लेकिन आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा एक बार नज़ारा ज़रूर दिखाएं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें 100 के पार हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है।